अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं के न्यूज HD। मैं हूं हारिस अलीशा गिलानी और मैं हूं किरण खान। चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। उनकी टोन दो तीन दिन से बड़ी क्लियर है, कह रहे हैं कि जी हम फिर बता देंगे, हमें दीवार से ना लगाए, हमें बताए ना साथ क्या बताएंगे कि हमने डीली डीली की, हमने चोर दरवाजे से इकतदार लिया, हमने वोट को इज्जत होगा बयान किया, जो मरियम नवाज ने मेरा दफन किया, जो चेकवारा नवाजी बना हुआ था, हमने केसेस के लिए NRO 2 हमने उस पर सील लगाई, हमने ये डीले की थी, हमने ये डील की थी कि शहबाज शरीफ को वजीर आजम जिस दिन उस पर पर्दे जुर्माइड होना था कि पर्दे जुर्माइड नहीं होगी और इसको बचा लिया जाएगा, हमदा शहबाज को हमने बनाना है, क्योंकि पंजाब असेंबली में 8 मार्च के बाद जो प्रोसेस शुरू हुआ, जहांगीर तरीन को मिला लो, अजीम खान मिला लो, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, बताएं फिर सारी खुल के डीले क्या होंगे। ये समझते हैं कि आवाम जो है बेवकूफ है, इस वक्त आवाम ने बड़ा जोर से बता दिया निकल के, और पूरे पाकिस्तान में एक जगह पर नहीं, पूरे पाकिस्तान में खैबर से लेकर कराची तक हर सूबे में आवाम बताया और बड़ी जोर से बताया कि करप्शन हमें काबिले कबूल नहीं है। जो भी ये बंद कमरों में डीले कर रहे हैं, जिन्होंने भी इनके साथ डीले किए, इनके पास अब कोई चेहरा नहीं है लोहे के चने बनने के वाली मोमेंट में दोबारा उस पर वापस जाकर जी हम ये कर देंगे तो हम वो कर देंगे तो नवाज शरीफ ये बता देगा तो नवाज शरीफ लड़ेगा, नवाज शरीफ पे आके ये सारे कवानीन खत्म होने चाहिए और जिस जिसने इस मुल्क का पैसा लूटा है, जो ये मंडियां लगाते हैं 1988 से छाना मांगा थे, उन्होंने ये काम शुरू किया, आज तक चल रहा है, सिंध हाउस में ये चीजें रिपीट हुई, हमारे बच्चों का क्या यही मुस्तकबिल है, या करप्शन चलती रहेगी और उसकी कीमत हम देते रहेंगे, हमारे बच्चों का यही मुस्तकबिल है कि 60% आबादी है वो करप्शन गुर्बत की सतह से नीचे रहेगी, हमारे बच्चों का यह मुस्तकबिल है कि वो स्कूल नहीं जाएंगे और इनके बच्चे वहां पर फिर तस्वीरें आती है जी हार्वर्ड और कैम्ब्रिज से वो निकल के आगे और बड़ी कामयाबियां उनको मिलनी है, कहां से आता है ये पैसा, ये मेरा आपका आवाम का पैसा है जिसमें ये सारा खिलवाड़ खेलते बंद कमरों में डीले करते, इनके चेहरे जिस तरह बेनकाब हुए इस साजिश में नून ली के जो इन्होंने अपना बयानिया दफन किया, इनको अब पंजाब में भी जगह नहीं मिलेगी और जरदारी साहब जो कल वहां पे बैठे हुए थे, सबसे ज्यादा खतरा ये कि सिंध में ये हालात ना बन जाए तो सिंध के इंतखाबात से ये भागे, NA 245 से ये भागे, लोकल इलेक्शन से वहां पर भागे, इसलिए भागे नजर आ रहा है कि बेवाई हुई है, पाकिस्तानी कौम जो है इस पर टोटली डिपेंड मूड में, जो इस वक्त आपने मुल्की मीशत का हाल कर दिया है, हम तजर्बाकार टीम है, इस हाल 2016 में बात हो रही थी कि लैंडमाइन लगा के गए, बड़ी मुश्किल से इकॉनमी आपकी हुई, अब वही बात इमरान खान लैंडमाइन जगा के गए, हम आपका बोझ उठा रहे, आप बोझ नहीं उठा रहे, आप अपने करप्शन के केसेस बचा रहे, आप अपना करप्शन का माल बचा रहे, दिखाई सी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले साहब ने थी, पता लगे कौन को के ये चेहरे हैं जो हमेशा समझते हैं कि आवाम बेवकूफ है, आएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, नया बयानिया बना लेंगे और बल कमरों में बैठे डीले करते हैं, अपने उसकी पहले इन्होंने डील की जल मुशरफ के दौर में और जमहूरियत के नारे की, ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो गया 2006 और इससे बाद ये नहीं होगा, हर वो गंदा काम इन्होंने सियासत में किया है जो आवाम को आगे कहते हैं कि हम नहीं करेंगे और फिर वो ये करते हैं। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिएगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।